मुझे तो लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें एबीसीडी अभी तक याद नहीं है। ऐसे कौन कौन है? बनाना, ये बना के लाई हूँ केसा डिया। कैसी आइसक्रीम है ये देखो। हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं काफी टाइम बाद फिर से हाजिर हो चुकी हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स चैलेंज, जिसमें मैं सुबह से लेके दिन से लेके शाम से लेके रात खाने वाली हूँ फूड्स ओनली इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। चलिए देखते हैं मैं ये कंप्लीट कर पाती हूँ ये चैलेंज की नहीं। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आता है ए, स्टार्टिंग माई डे विद आमंड्स। ए फॉर आमंड्स, ए तो कंप्लीट हो गया। बी से आई है बनाना, और सी से मैं खा रही हूँ ये कैश्यू। सी भी डन हो गया। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ नहाकर, और अब मेरा लेटर बचा है डी से जेड तक। आई डोंट नो मैं ये कैसे कंप्लीट कर पाऊंगी, बट देन आई होप फॉर द बेस्ट। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे ज्यादा चीजें घर पे ही मिल जाए, सो दैट मुझे बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं हो या बाहर का खाने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े। तो चलो देखती हूँ डी से क्या मिलता है मुझे खाने का। सो डी से भी मुझे मिल चुका है ये डेट्स, चलो ये खाती हूँ। डन फॉर डी। ये देख रहे हो आप, ये उसी उसी टाइम निकलते हैं जब वीडियो बनाना हो या कहीं जाना हो। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई ये बात। डी से मुझे मिली है ये इक्लेयर्स। कोइंसिडेंटली सिर्फ एक ही पड़ी थी, मुझे लगता है मेरे लिए ही पड़ी थी। एफ से फ्रूटी। माय डैड बॉट दिस राइट नाउ। मजे ही मजे। सो गाइस, एफ से हो चुका है, अब जी से क्या खाऊंगी। सो गाइस, अभी जस्ट मैं बाहर से आई हूँ ये जेम्स का पैकेट लेके, बिकॉज जी से और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे। येल्लो, पिंक एंड ग्रीन, जो कि मैच कर रहा है मेरे टॉप के साथ। जी भी हो गया। एंड से मुझे मिला ये हाजमोला। इतना सारा खट्टा मीठा अगरम बगरम खा के हाजमोला भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब है आई की बारी, और हाजमोले के ऊपर मुझे ये आइसक्रीम खानी होगी, खट्टे के ऊपर मीठा। ये कैसी आइसक्रीम है ये देखो, ऐसे ऐसे फ्लोट कर रही है आइसक्रीम। ये आइसक्रीम तो मुझे कहीं से नहीं लग रही है, तो रबरी बन चुकी है। नो टेस्ट एट ऑल, बट मेरा तो कंप्लीट हो गया आई से, डन। सो गाइस, जे से ये जागरी देख रहे हो आप, जागरी ये खाऊंगी अभी मैं। मैंने सिर्फ इतू सा लिया है बिकॉज मुझे जैगरी एकदम पसंद नहीं है, बट स्टिल वीडियो के लिए मुझे खाना पड़ रहा है, और जे से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था जो मैं खाऊं, तो और मुझे मीठे मीठी चीजें बहुत ही कम पसंद है। सो फाइनली फाइनली जे तक हो चुका है, एंड नाउ द नेक्स्ट वन। पता नहीं मुझे कितनी मीठी चीजें खानी पड़ेगी इस चैलेंज के चक्कर में। तो गाइस, के से आई हैव दिस किटकैट। किटकैट मेरा फेवरेट है इन चॉकलेट्स, किटकैट इज माय ओनली फेवरेट। अब है एल अल्फाबेट की बारी, और ये है एक ग्लास में वाटर, एंड मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन। तो ये बन गया लेमन जूस। तो गाइज, एल बी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेटर आता है एम, मैंगोज। मैंगोज आर माई मोस्ट फेवरेट थिंग टू हैव इन समर्स। आई जस्ट लव ईटिंग मैंगोज। व्हाट अबाउट यू पीपल? अब आती है एन की बारी, और एन से क्या खाऊंगी मैं? मामा, एन से क्या खाऊं, कोई आइडिया है? एन से ओ या, थैंक यू। एन फॉर निम की।
एन इज ऑल्सो डन नाउ. अब है बारी अल्फाबेट ओ की, और ओ से मैं लाई थी ओरियो बिस्किट. तो क्या कर रही हो पल्ला? मैं तो YouTube वीडियो बना रही हूँ. आपको तो पता ही है कि मैं 24 आवर्स फूड चैलेंज कर रही हूँ, जिसमें मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खाना खा रही हूँ. कहाँ तक खाया अभी? अभी मैं ओ तक ही पहुंची हूँ. अभी बहुत बचे हैं, तो आप आ गए तो मुझे बता दो कि मैंने ओरियो बिस्किट किधर रखा है. ओरियो बिस्किट वो तो मैंने बाहर टेबल पे देखा था, जो ब्लू कलर का डिब्बा पड़ा है उसमें. ओके, तो गाइज मैं आती हूँ जल्दी से. तो गाइज मैं आती हूँ जल्दी से ओरियो बिस्किट लेकर. ओरियो बिस्किट भी मेरा बहुत ही फेवरेट है. आज मैं अपने बहुत सारे फेवरेट चीज खा रही हूँ. बट ये ना चॉकलेट फ्लेवर का है, मुझे वनीला वाला ज्यादा पसंद है. कम्प्लीट हो चुका है. नेक्स्ट फ्लेवर कौन सा है बताओ आप वीडियो पॉज करके. और पीसे मैंने बनाए हैं ये पोहे, तो अब मैं खाती हूँ इसे. अच्छे बने हैं. तो पी इज डन गाइज. अब है अल्फाबेट क्यू की बारी, और क्यू से कोई मुझे बता सकता है कि मैं कौन सा फूड आइटम ट्राई करूं. मैं ये बना के लाई हूँ केसाडिया, वेज केसाडिया. तो मैंने ये डिश फर्स्ट टाइम ही बनाया है सिर्फ इस चैलेंज के लिए. मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था, क्योंकि क्यू से मुझे और कुछ समझ में आ नहीं रहा था. तो देखती हूँ कैसा बना है. आई होप अच्छा ही बना होगा. This cheese filling. वैसे बुरा तो नहीं बना है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं बना है, बट काम चलाने लायक ठीक है. आप लोगों ने कभी खाया है कैसा? इस क्यू तो कंप्लीट हो गया. R for rings. यार इसमें तो कुछ गिफ्ट भी मिलता है ना. वी गॉट दिस. और एस से मैं लाई हूँ ये सैलेड. तो मैं करती हूँ स्टार्ट. तो इसमें टमेटो भी है. टी से मैं टमेटो खाने वाली हूँ. मैं चीट नहीं करूंगी. सबसे पहले मैं ये इन सब में से एक एक लेती हूँ, बिकॉज ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए. हो गया सैलेड. और अब बारी आती है टी से टमेटो की. डन डन विद एस एंड टी. सो अब बारी है अल्फाबेट यू की, एंड यू से मैं लाई हूँ ये मेरा फेवरेट अंकल चिप्स. ये वाला फ्लेवर मिला, वैसे तो ये वाला फ्लेवर मुझे इतना पसंद है नहीं, मुझे ग्रीन वाला बहुत अच्छा लगता है. और ये है प्लेन सॉल्टेड फ्लेवर, तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है नहीं. चलो तो खाते हैं. पहले ये 10 रुपीज में काफी बड़ा पैकेट आया करता था, और इसमें लिखा हुआ है भी 35% एक्स्ट्रा. इसमें लेज इतनी कम है और हवा इतनी ज्यादा. सो अब है वी की बारी. वी से विक्स की गोली लो, खिच दूर करो. वैसे तो मुझे खिच नहीं है. तो गाइस वी भी कंप्लीट हो चुका है. ये चलो ये अच्छा था कि वी के बाद डब्ल्यू अल्फाबेट आता है, तो डब्ल्यू से मैं पीऊंगी वाटर विक्स की टॉफी खाके. दिस वाज जरूरी. अब बचे हैं सिर्फ 3 अल्फाबेट्स एक्स वाई एंड जेड. गाइस सो अब बारी है एक्स अल्फाबेट की, और फाइनली मैं यहां तक पहुंच गई कैसे भी करके. और एक्स से मेरे पास है ये जीगा. आई नो आप लोग इसे वाटरमेलन समझ रहे होंगे, और ये वाटरमेलन ही है. इन केस यू डोंट नो, वाटरमेलन को ही जीगा कहा जाता है चाइनीज में. तो लेट्स हैव इट. तो मैं यही यूज कर रही हूँ इन प्लेस ऑफ एक्स. वाटरमेलन किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है.
एक्स भी कंप्लीट हो चुका है और अब बचते हैं सिर्फ दो अल्फाबेट्स वाई एंड जेड। वाई और जेड से क्या खाऊं देखती हूँ। तो वाई से मैं लाई हूँ ये स्पून में योगर्ट, ये मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगता है, बट आप देख सकते हो चैलेंज के लिए लोग क्या क्या करते हैं। गाइस वाई कंप्लीट हो चुका है, अब बचता है जेड, लास्ट अल्फाबेट। जेड से कैन यू गेस कि मैं क्या खाऊंगी। ओके तो ये है लेमन एंड मैं इसे तो ये थोड़ा सा निकला है, थोड़ा सा निकला है आप देख सकते हो, इसे जेस्ट कहते हैं। लास्ट का वीडियो खत्म होता है मेरे इस गंदे से एक्सप्रेशन से एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने ये चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया 24 आवर्स में, आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और शेयर भी कर देना। एंड अगर आप ऐसे और चैलेंजेस देखना चाहते हो मेरे चैनल पे तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना जरूर। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।